टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। समुंदर में डूब रहे बुजुर्ग को मुंबई पुलिस ने बचाया। मुंबई पुलिस ने वर्ली इलाके में समंदर की लहरों में फंसे इस बुजुर्ग की यानी व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया है। दरअसल मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि वर्ली सी फेस में बुजुर्ग व्यक्ति डूब रहा है और सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डूब रहे बुजुर्ग चाचा को सुरक्षित बचा लिया यानी बाहर निकाल लिया। इस तस्वीर में पुलिस के दो जवान दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम अजय और दूसरे का नाम गावड़े है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बुजुर्ग चाचा को रेस्क्यू ऑपरेशन की और कैमरे में तस्वीरें कैद कर ली है। तो हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखें। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिल्म निर्देशक निर्माता अभिनेता महेश मांजेकर से मांगी गई 35 करोड़ की फिरौती। अपने आप को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बताने वाला हुआ गिरफ्तार। दरअसल बॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से 35 करोड़ रुपए की रंगदारी यानी हफ्ता वसूली की मांगी गई थी। पिछले दो दिन से मैसेज कर रहा था, रंगदारी यानी हफ्ता वसूली की मांग कर रहा था महेश मांजरेकर से कर रहा था। इतना ही नहीं, मैसेज करने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बता रहा था। इसी मामले को लेकर अभिनेता महेश मांजरेकर ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है यानी FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 32 वर्षीय एक शख्स यानी मिलिंद बालकृष्ण तुलसेकर को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है। मांजरेकर को जिस नंबर से फ़ोन आया वह इसी शख्स के नाम पर रजिस्टर था। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले की जांच कर रही है कि ये क्या वाकई इस शख्स का संबंध अबू सलेम से है या उसके नाम से कोई और फर्जी नंबर बताकर नाम बताकर पैसे वसूलने का काम कर रहा था। मांजरेकर ने बताया, मुझे कुछ मैसेज आए थे, धमकी भरा संदेश था, 35 लाख रुपए देने की मांग कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि जांच में पता चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, मगर ये साबित हुआ है कि इसी शख्स ने अबू सलेम के नाम से धमकी भरा मैसेज 35 करोड़ रुपए देने की फिरौती की मांग किया था। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।